है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम उनको याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनके विचारों को प्रतिपादित करने के लिए, उनके जीवन दर्शन को नमन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हैं विजय घाट पर। ये सीधी तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं। शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, शास्त्री जी जो राजनीति में शुचिता के, जो राजनीति में ईमानदारी के और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक थे, ऐसे युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, भारत के लाल, उनको नमन करने के लिए पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं जहां इस वक्त पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने हमें शांति और सहृदयता का तो संदेश दिया ही, साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि यदि दुश्मन सर पे आए तो उसके साथ किस बहादुरी से मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का ही कहना था कि समाज को सच्चा लोकतंत्र कभी भी हिंसा और असत्य से हासिल नहीं होता, और ये उनके जीवन में बार बार दिखा। जिस ईमानदारी, जिस शुचिता और जिस निस्वार्थ सेवा के वो प्रतीक थे, वो भारत की ही राजनीति में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिरले ऐसे लोग मिलते हैं जिस ईमानदारी और देश सेवा की भावना से उन्होंने काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया। आज के समय में लाल बहादुर शास्त्री के की राजनीतिक शुचिता, उनकी ईमानदारी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। तमाम किस्से उनके ईमानदारी के थे, राजनीति के और देश के संविधान में उच्चतम पदों पर रहने के बाद भी जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी ईमानदारी की अमिट छाप छोड़ी, जिस देश सेवा की, जिस कठोर परिश्रम की उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, वो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाती है। और हमें आज के समय में विशेष तौर पर ऊर्जा देती है जब हम